कि मतलब नहीं समझता था कि आखिरकार कैसे थिएटर से जिंदगी जीना सीख जाओगे। अब साला पता चला इतने तो गरीब हो जाओगे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अरे ना भाई, ना ना, आप गलत चैनल पे नहीं आए हैं। आपके होस्ट ये रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ हनुमंत धाम में, जहाँ पे मैंने अपने 2 साल दिए, मतलब जो रिहर्सल वगैरह करता था। आज भी मैम की रिहर्सल चल रही, तो मैंने सोचा आपको मैम से मिलवाना बहुत जरूरी है। मैम और सर उनकी न्यू टीम से। और भाई, आप हनुमान धाम आए हुए हैं, तो यहाँ की मंदिर के बारे में तो इन लोगों को दिखाएंगे ही। पहले इनको तो दिखा दे, जो हमारे गुरु है उसका मंदिर भी जाएगा। क्या हुआ? वो ऐसे कैसे चला जाएगा? क्या कैसे चला? तो आप बहुत जल्दी देखेंगे हनुमान धाम की मंदिर राजा भाई के द्वारा। चलिए मिलते हैं आगे। हाँ मैम से आप बात कर लीजिए। हाय गाइस, ये हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, पर क्या कहें, कुछ अपने बारे में बताएं, बच्चों को मत बताएं। अपने बारे में क्या बताएं, ये सब इतने बदमाश हैं कि अपने बारे में बताने ही नहीं दिया कभी। हमारे लिए आपके अंदर कितनी मोहब्बत है ये चीज बताएं आप पहले। ये राजा के लिए तो बहुत मोहब्बत है, पर राजा छोड़ के चला गया हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसका बड़ा अफसोस था, पर क्या करें भाई। किसी ने बोला मुझे मुंबई जाना है, तो भाई मैं रोकने वाली कौन? तो मैं मुंबई जाता आता हूं। मुंबई करियर करियर तुम बताओ, स्मार्ट कितना लग रहा हूँ, बाकी सब छोड़ो, कमेंट करना। अच्छा मैं इधर बताओ क्या बात है। भाई देखो, राजा अपना बहुत प्यारा बच्चा है। थैंक यू थैंक यू। और बहुत खुशी हुई इसको देखकर। यही तारीफ करनी थी आपको। बहुत दिन से राजा को चाह रहे थे, राजा है, राजा आया, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईश्वर इसको और अच्छा काम दे। मतलब नहीं समझता था कि आखिरकार कैसे थिएटर से जिंदगी जीना सीख जाओगे। अब साला पता चला इतने तो गरीब हो जाओगे कि जिंदगी जीना सीख जाओगे। मैं बताऊं, इंसान शौक के लिए सब कुछ त्याग देता है, अगर वो नहीं त्यागेगा तो उसका शौक कैसा? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाए जाते हैं और शौक जीने के लिए मेहनत। आगे तो हमेशा यही है कि अपनी जो मनोकामना है और आशाएं हैं, जो उनकी खुद की सोच है, उसी पर अमल रहे हैं और करते रहे, क्योंकि कामयाबी तो मिलेगी ही, पर देर हो सकती है, नाकामी नहीं होगी। यू विल गेट एनीथिंग। अरे इसका चेहरा देखो खाली। जा जा जा। तो फाइनली पहुंच गए भाई हनुमान धाम के लिए। भाई सब अपने पास हैं, मतलब अपने साथ हैं तैयब भाई। तो रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे, पहले वैसे तो मैं रिहर्सल किया करता था, पुराने अगर वीडियो आपने देखे होंगे तो ये दिखेगा उसमें, लेकिन अभी क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। रात के टाइम तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दे भाई देखा है कभी आपने? अरे यार, हम तो यही रिहर्सल करते हैं। अच्छा, ये भी रिहर्सल करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट ही हैं, मतलब हम लोग कलाकार हैं, इसलिए कलाकार की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ये खूबसूरती का खजाना कहते हैं कि ये धरती पर स्वर्ग है। स्वर्ग है ना, क्यों? क्योंकि हर आदमी ऊपर स्वर्ग तो जा नहीं पाएगा मरने के बाद। मरने से पहले धरती पे स्वर्ग बना दिया गया ताकि आप लोग स्वर्ग के दर्शन कर सके, क्यों? वैसे तो यहाँ पे है शनि देव जी का मंदिर। बाकी मैं यहाँ की खूबसूरती आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और ऐसे तो हमारा चेहरा तो खूबसूरत ही है, क्यों भाई साहब? भाई साहब तो हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मेरे से कम है थोड़ा। तारीफ कर देता हूँ क्योंकि टाइम दे रहे हैं, बेचारों के पैर जल रहे हैं ना। ये देखो धूम में, क्योंकि हम लोग बस टाइम नहीं रहता, हम लोग बहुत बड़े कलाकार हैं ना। मतलब मैं कहा था, क्या कहा था? जितना देखिए कोई पहन के आया, आप लोग पहन के आ गए, वही तो टोक देगा ना, फिर मैटर हो जाएगा। पहले ऐसे ले लेता हूँ थोड़ा सीन। एक्चुअली लुक एट मी, बताओ सर, कभी मैं यही रिहर्सल करता था भाई, जब ये सब बना नहीं था। तो दिखा के चलो, ये लग रहा हमें यहाँ पे अच्छा खासा खर्चा किया गया, क्यों? और क्या यहाँ, मतलब एस्टिमेट आया था, हमको लग रहा 70-80 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है आराम से। ये मेन मंदिर ही है सामने जो दिख रहा है, मंदिर चलोगे क्या अंदर? खूबसूरत है, गोल्डन है, गोल्डन टेम्पल है ये, जैसा ही है, जैसा ही, पर ये गोल्ड का नहीं है मैं लग रहा, क्यों? गोल्ड का। तो वैसे आप लोगों ने देखा है ये गोल्डन टेम्पल टाइप का ही लग रहा है, सोने का ही है क्या? हो सकता है अदृश्य रखा गया हो। ये तो फिर कारीगर को ही पता होगा जिन्होंने बनाया होगा। देखिए ये जो इसमें दिख रहा है, ये आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें ओम लिखा हुआ है। हाँ ओम लिखा हुआ है, आप ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा भी। पीछे बैक करके मत देखना, नहीं तो मेरा इंगेज घट जाएगा इसका वीडियो का। और भागना मन बंदा, रीच बेकार हो जाएगी इसकी। अरे देखिए आप लोग, और वैसे बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, लेकिन बस यही है कि आप लोग हमको लग रहा है हेल्प नहीं कर रहे या वीडियो देख नहीं रहे। पता, आप लोग ये जो चश्मा वश्मा देख के आप लोग अमीर समझ लेते हैं, यही आपकी गलती है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ भाई, बस ये भी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, दोनों लोग गरीब, आप भी गरीब हो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। आप हमारी बात समझ सकते हो, और लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करने की बात ही नहीं। शेयर करने में, लाइक करने, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है, बस एक बटन जो आपको क्लिक करना है तो कर दीजिए। और क्या चाहते हैं आप?
हम लोग आगे बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पे पैर जलने लगे हैं। तुमको अगर कुछ कह देगा ना तो हम उसको पे लेंगे भाई। जो लेकिन मैं क्या सलाह दूँ यार, मैं खुद उसी रास्ते पे हूँ। क्यों? ये है मेन मंदिर भाई, एक नंबर का। बहुत ठंडा है अंदर यार, पहुँच गया मेरे घर मंदिर। डर लग रहा है कुछ लोग ना दे आएगा ये फोटो ऊपर। हाँ ये बहुत डाल दो। पहली मंदिर के अंदर से हम बाहर आ गए हैं, लेकिन ये है मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है और यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा अंदर है। रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये लाइट की वजह से ना। बताते हैं लोग यहाँ लाइट की वजह से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाई साहब को भी घर निकलना है तो हमें भी निकलना पड़ेगा, वरना मैंने तो सोचा था रात तक रुक के यहाँ का देखेंगे माहौल के क्या रहता है। आपको दिखाते हैं अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रात का भी दिखा देंगे क्या उसमें क्या है। बाकी तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है माहौल,